किंतु कुटिलता जेमा लेखकना जीवन में आवेलो आ नानकड़ो किंतु शब्द केवु दुख उत्पन्न करे छे। कोर्ट में एना पक्ष में आवेलो केस पण स्थगित थाय छे। आवो आपणे पहेलो विभाग तेनो जोयो। त्यार पछी लेखकना जीवन में फरीवार पण एटले के बीजो प्रसंग फरीवार पण आ किंतु शब्द संताप एटले के दुख लईने आवे छे। आ बीजो प्रसंग जुओ। एकदा अनेक वर्षाना परिश्रमे एक वार अनेक वर्षोनी मेहनत पछी हालमां ज प्रकाशित मदी पुस्तकम हालमां ज प्रकाशित थयेलू मारू पुस्तक आदाय अहम लईने हूँ एक साहित्य मर्मग्न नेतु समीपम अगच्छत। एक साहित्यना जानकार नेतानी पासे गयो। यस्य पुस्तक विषय आ पुस्तकनो विषय तस्य प्रस्तुति तेनी प्रस्तुति मुद्रव श्रेष्ठम चित्र योजन एले के तेनु मुद्रण तेमा राखेला चित्र च इति सर्वम सुंदरम आसीत। आ बधु सुंदर हतु। नेतु महोदयाय पुस्तकम अवश्य रुचिकर भविष्यति। नेताजी ने आ पुस्तक जरूर गमशे एवी दृढ़ में श्रद्धा मने दृढ़ श्रद्धा हती। तेना अहम निश्चितम आसम तेनाथी हूँ चिंता रहित हतो। अहम सो उत्साहम नेतु महोदयस्य गृहम प्रत्यगच्छतम। हूँ उत्साह साथे नेताजीना घरे गयो। क्षण दया अंतरम क्षण बे क्षण पछी नेतु महोदयस्य साक्षात्कार सज्जात। नेताजीनो साक्षात्कार एटले के सामनो थयो। मया नेतु महोदयस्य कर कमलियो मैं नेताजीना कमर जेवा हाथ में पुस्तकम समर्पित आ पुस्तक मूकी दीधु एटले के आपू। पुस्तकम दृष्ट्वा नेतु महोदय प्रसन्न जात। पुस्तक जोईने नेताजी प्रसन्न थया। अवोचत च अने बोल्या पुस्तकम ते वस्तुतस्तु अद्भुतम। पुस्तक आ खरेखर अद्भुत निर्मितम अस्ति एटले अद्भुत बनेलू छे। बहु काला अंतरम केटलाय समय पछी एतादृश पुस्तकम पश्यामि आवु पुस्तक हूँ जोउं छुं। तदंतरम सद्य एवं अने त्यार पछी तरत ज किंतु परंतु मत संमतो मारा मानवा प्रमाणे पुस्तकम इदम आ पुस्तक संस्कृते न विलिख्य संस्कृत में न लिख्यू होत। यदि हिंदी भाषाया लिखित जो हिंदी में लिख्यू होत तही सम्यक भवेत तो बराबर थात इत्य उवाच। आम बोल्या। गृहम प्रत्यावर्तमान घर तरफ आवता अहम समस्त राजमार्गे हूँ आखा राजमार्ग एटले के रस्ता पर किंतु कृतिया किंतुनी आ किंतु शब्दनी कुटिलतानो मर्मवेदक शिक्षाया उपरी मर्मवेदक शिक्षा उपर चिंता मापगण चिंता में पड़ो। अने किंतुना मह्यम अने किंतु शब्दए या शिक्षा दत्ता मने जे शिक्षा आपी ता यदि अहम अनुसरामी तेनु जो हूँ अनुसरण करूँ तही कदापि संस्कृत भाषाया तो क्यारेय पण संस्कृत भाषा में पुस्तक लेखम करतुम न पार्यामी आ पुस्तक हूँ लखी शकूँ नहीं। कदाचित क्यारेक अयम किंतु क्रूर बराबर आ किंतु शब्द निर्दय बने छे। आम त्रीजा विभाग में जुओ अहीं आपणे बीजा विभाग में पण लेखक एक पुस्तक बनावे छे नेताजीनी पासे जाय एना हाथ में मूके छे नेताजीने खूब ज गमे छे। नेताजी कहे छे कि आवु सुंदर पुस्तक मैं क्यारेय जोयुं नथी। लेखक खुश थाय अने तरत आगळ बोले किंतु એટલે કે પરંતુ જો આ પુસ્તક સંસ્કૃતમાં નહીં હિન્દીમાં લખ્યું હોત તો સારું હતું। એટલે મારા જીવનમાં કિંતુ શબ્દ હંમેશા દુઃખ લઈને આવ્યો છે। હવે એક મિત્રની ગોષ્ઠા એટલે ભોજન સમારંભમાં લેખક જાય છે એનો આ ત્રીજો પ્રસંગ છે જેનો આપણે અભ્યાસ કરીએ। જુઓ કદાચિત અયમ ક્રૂર કિંતુ શબ્દ ક્યારેક આ નિર્દય કિંતુ શબ્દ
मुखस्य कौलमपि अवरोध्यति, मुखना कोळियाने पण रोके छे। एकदा अहम रुग्ण अभवत, एकवार हूँ बीमार पड़ो। वेद महोदयस्य कृपया, वेद महोदयनी कृपा थी बहु काला अंतरम स्वस्थ सज्जात, केटलाय समय पछी हूँ सारो थयो। अस्मिनेव समये, आज समये मित्र गोष्ठाया निमंत्रण प्राप्त, भोजन समारंभनो आमंत्रण मळ्यु। भोजन गोष्ठाया गमनार्थ मामपि इच्छा सज्जाता, भोजन समारंभमां जवानी मारी पण इच्छा हती। अहम आतुराय अगच्छतम, हूँ दवाखाने गयो। तत्र गत्वा वेदम अवोचम, त्यां जईने वैद्य ने पूछू, एटले के डॉक्टर ने पूछू, किम अहम, शू हूँ भोजन गोष्ठया गंतुम समर्थ अस्मि, शू हूँ भोजन समारंभमां जई शकवा योग्य छू। उत्तर अलभत, जवाब मळ्यो, गंतुम अर्हति, तमे जई शको छो। लेखक खुश थया, पण तरत आगळ शब्द आव्यो, किंतु परंतु गरिष्ठ पदार्थ भोजनम निषेधम अस्ति, पण गळ्या पदार्थ ने भोजन में लेवो एनी मनाई छे। वेदस्य वचनम श्रुत्वा, आ वेदनु वचन सांभळीने भोजन गोष्ठया गमनम इच्छा, भोजन समारंभमां जवानी इच्छा, अर्धमात्राया तो अत्रैव समाप्त, अर्धी तो अहियाँ ज पूरी थई। तथापि अहम तोपन हूँ भोजन गोष्ठायाम अगच्छम, भोजन समारंभमां गयो। अत्र वेद महोदयस्य किंतु शब्द, अहीं वेद महोदयनो वेदजीनो आ किंतु शब्द, मम कंठ नलिकाया संलग्न आसीत, मारा गळानी अंदर बेसी गयो। भोजन गोष्ठाया यम यम पदार्थ अहम पश्यामि, भोजन समारंभमां जे जे पदार्थ हूँ जोउं, स स पदार्थ ते ते पदार्थ गरिष्ठ एतित प्रतीति भवती, गळो छे एवी मने प्रतीति थवा लागी। अतः भोजन विनेव मम भोजन समाप्त अभवत, आथी भोजन वगर ज मारू भोजन पूरु थयु। अर्धेन भोजनम इति न्याये, सूंघवा मात्र थी ज अर्धु भोजन थी जाए, ए न्याय थी संतोष करीने भोजन गोष्ठामांथी पाछो आव्यो। एवं आम जीवने अनेकवार, जीवन में अनेकवार यस्य किंतु शब्दस्य शत्रुता, आ किंतु शब्दनी शत्रुता, लेखक अहीं किंतु शब्द ने एनो शत्रु माने छे, के शत्रुता सम उपस्थित भवती, मारी सामे उपस्थित थई छे। बहुवार दुष्टवानस्मी यथा कार्य, केटली वार यथा कार्य, जे काम सर्व सज्ज संपद, जे काम बधी ज रीते सज्ज होय, तैयार होय, सर्व प्रकारे सिद्ध, बधाज प्रकारे सिद्ध, एम के हमणा ज मारा हाथ में आवशे, हस्तगत भवती, तथेव सफलता सफलता मूर्ति सम्मुख आगच्छति। अने जारे सफलता अपनी आम सामे आवी जाए, तथेव क्रूर अयम किंतु, त्यारे ज आ निर्दय किंतु शब्द मध्यम प्रविश्य वच्चे प्रवेश करे, सर्व कार्य विनश्यति, बधाज कामनो विनाश करे छे। मानवस्य जीवने किंतु अयम कुटिलता, मानसना जीवन में किंतु शब्दनी आ कुटिलता सर्वत्र विराजते, बधेज जोवा मळे छे। तो आम अहीं आपणे आ पाठ छे ए पूरो कर्यो, के जेमा लेखकना जीवन में किंतु शब्द हमेशा संताप आपे छे। पाठ बार किंतु, एटले किंतु शब्दनी कुटिलता, जेमा आपणे पहेलो पेरेग्राफ जोयो, के जेमा लेखक ने पहला प्रसंग में किंतु शब्द दुख आपे छे। त्यार पछी आपणे बीजो प्रसंग जोयो, के बीजा प्रसंगनी अंदर एक वार खूब मेहनत करी अने लेखक एक पुस्तक लखे छे, बराबर। आ बीजो प्रसंग, आ पुस्तक लईने ए नेताजीनी पासे जाए, त्या पण किंतु शब्द विनाश वेरे छे। अने त्यार पछी एम कहेवाय के त्रीजा विभागनी अंदर आपणे जोयुं के लेखक छे ते बीमार पड़े अने मित्रों तरफथी जमवानुं आमंत्रण मळे छे, अने त्यां जाए छे, त्यारे लेखक ने डॉक्टर द्वारा कहेवामां आवे छे के जमवा जाओ, पण गळो पदार्थ लेवो नहीं। आम लेखकना जीवन में हमेशा किंतु शब्द क्रूर बनीने आव्यो छे।
अस्तु।